रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की केंद्र सरकार की एक साजिश कल सामने आई, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आया, क्योंकि कल सुबह मैंने पहले अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को यहाँ पर NDMC के बनाए हुए फ्लैट देने जा रही है। उसके थोड़ी देर बाद केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देखे दो, जिसमें उन्होंने उस पूरे डिसीजन को बहुत तारीफ करते हुए पूरा क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मसला उठा तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आई और केंद्र सरकार भी बैकफुट पे आई। लेकिन मैंने इस बीच अधिकारियों से पता किया, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं था इस तरह का कोई डिसीजन हो रहा है। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई, ना मुख्यमंत्री जी को पता। मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर्स से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे CS के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए LG साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैग देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए LG के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर करा कौन रहा है? केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं तो करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें, और दूसरा ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सब की बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से
चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी। जन ज्वार जनता की मीट।